आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है COCl3.4H2 इज एन एनहाइड्रस बाइंडिंग सॉल्यूट, हेंस इट्स वनर रिप्रेजेंटेशन इज एनहाइड्रस। का मतलब क्या है उसके, जिसमें हमारे पास कोई भी वाटर मॉलिक्यूल ना, नो वाटर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, या अगर हम कॉम्प्लेक्स के उसमें कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे पास सिंपल के लिए होती है, अगर कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो हमारे पास कोई भी नो वाटर लॉस व्हेन ट्रीटेड विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, व्हेन ट्रीटेड विद डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब हमारे पास जब डिहाइड्रेटिंग एजेंट से अगर उसको ट्रीट करें तो अगर वो कोई वाटर लॉस नहीं करेगा तो वो एनहाइड्रस बाइंडिंग सॉल्ट है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया H2SO4 हमारे पास, ठीक है। तो अगर हमें पता है जो एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है उसमें दो चीज होती है, एक तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस हमारे पास आयंस और मॉलिक्यूल्स जो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, उसके आउटसाइड आयन मॉलिक्यूल्स, जो ये आउटसाइड आयन मॉलिक्यूल होते हैं तो इंडिविजुअली डिसोसिएट हो सकते हैं, बट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की आइडेंटिटीज होती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के जो आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इंडिविजुअली डिसोसिएट नहीं हो सकते। तो अगर इसमें एनहाइड्रस दे रखा है, इंडिविजुअली डिसोसिएट नहीं हो सकते, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोबाल्ट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ मैं यहाँ पे, तो कोबाल्ट प्लस क्लोरीन पे चार्ज -1 तो -3 इज इक्वल प्लस 0, क्योंकि H2 पे कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0, तो x आ गया हमारे यहाँ से +3, कोबाल्ट +3 में तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कंपाउंड बनाता है, ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिविजुअली डिसोसिएट तो होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, और इंडिविजुअली डिसोसिएट नहीं होते, और अगर देखें तो इसने एनहाइड्रस कह दी तो कोई भी वाटर मॉलिक्यूल लॉस नहीं हो रहा, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है H2O ऑल H2O मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, हमारे पास स्फीयर के अंदर प्रेजेंट होंगे और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अगर हम देखें इसका जनरल जो मैंने दे रखा है CO Cl3.4H2O, तो अगर इसका फॉर्मूला लिखे तो CO, ठीक है, H2O4, ठीक है, और हमारे पास H2O और जो ये है Cl दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक पेयर डोनेट करते हैं, तो चार यहाँ से सेटिस्फाई होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 Cl ने कर दिया और एक क्लोरीन हमारे पास इसमें बाहर आ गया। अब ठीक है, अब हमें अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी पता है जो प्राइमरी वैलेंसी होती है जो कि हमें कोरिस्पोंड करती है ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन स्टेट को या ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है, तो उसमें जो प्राइमरी वैलेंसी वो सेटिस्फाइड किससे होती है, सेटिस्फाइड बाय ओनली नेगेटिव आयंस, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होती है और वो सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो अब देखें तो H2 हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है और क्लोरीन हमारे पास एक Cl- हमारे पास एक नेगेटिव लिगेंड या आयन है, नेगेटिव आयन है, ठीक है। तो हमारे पास जो H2O है वो तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करेगा और क्लोरीन हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर को भी, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को भी एंड प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। जो इसका स्ट्रक्चर होगा ये देखिए, कोबाल्ट, ठीक है, H2O सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को, जो एक प्रॉपर लाइन है जिससे हम दिखा रहे हैं वो हम दिखाते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, ठीक है, H2O, ठीक है, H2O, Cl, ये Cl, ये सारी सेकेंडरी वैलेंसी होगी, और दो जो क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं, उसको डॉटेड से दिखाते हैं, ये हमारे पास होगी, और एक क्लोरीन हमारी सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन के बाहर है तो सिर्फ वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा ये, तो अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर सी देखें तो देखिए चार H2O है जो हमारे पास जो प्लेन लाइन से जुड़े हुए हैं, और दो Cl प्लेन लाइन से और दो डॉटेड से, और एक क्लोरीन हमारे पास डॉटेड लाइन से,
इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसमें चार हो तो सेकेंडरी वैलेंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं H2 मॉलिक्यूल्स, दो क्लोरीन हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी का और एक क्लोरीन प्राइमरी का, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगी, तो सी इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।